अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है फ़िश फ्राई। जैसे कि आप देख सकते हो, इधर फ़िश को हमने अच्छे से नमक से धो के ले लिए हैं और सब मसाले भी इधर सब तैयार हैं। मैं एक एक करके आपको मसाले बोलती जाऊंगी, आप नोट कीजिएगा। ये हमने इधर 1 किलो फ़िश लिया है। इधर इमली का पानी 2 बड़े स्पून, इसका पानी हमने ले लिया है। इधर 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम बेसन लिए हैं। इधर लाल मिर्च पाउडर लिए हैं 2 चम्मच। ये चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। ये नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, ये 1/2 नींबू। ये धनिया देख सकते हो आप, 1 चम्मच धनिया, 1/2 स्पून अजवाइन है। अजवाइन बहुत अच्छा फ्लेवर देता है फिश में। ये ज़ीरा है, ये आके गरम मिर्च, सब ये तीनों मैंने 1/2 स्पून ही ली हूँ। 1 किलो के लिए मैं बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से आप जितने मसाले चाहिए उतने ऐड कर सकते हो। चलिए एक एक करके हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है। इस बाउल में हम पहले ये इमली का पानी डालेंगे। इमली का पानी पता है आपको कि कितना बढ़िया काम करता है। इमली के पानी से बहुत अच्छा मैरिनेट होता है फिश, अच्छे तरह से कोटिंग भी मिलती है उसको, टेंडरनेस आता है फिश के अंदर। इसीलिए हमको इमली का पानी से ही मैरिनेट करना चाहिए। इसमें डालेगा 1/2 नींबू, 1/2 नींबू का रस। 1 किलो के लिए मैं बता रही हूँ अगर मैरिनेशन। आप जितना आप क्वांटिटी फिश लोगे उतना क्वांटिटी आप बढ़ा देना सब मसालों का। फिर इसके बाद डलेगा ये बेसन, 100 ग्राम बेसन, ठीक है। पहले कोई पानी ऐड नहीं होगा, इमली के पानी से ही मैरिनेशन बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लें इसको बढ़िया तरीके से। बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, घंटे रहने ना दें, थोड़ा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। और ये अजवाइन हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अजवाइन से पता है आपको कितना बढ़िया फ्लेवर आता है। अजवाइन से ना जो भी फिश की स्मेल रहती है वो अजवाइन ख़त्म कर देगी और अच्छे से फ्लेवर देगी फिश में। अजवाइन कूट के डालें, पूरा पाउडर ना डालें, सिर्फ और सिर्फ कूट के डालें। सब मसाले हमें कूट के ही लिए हैं। फिर डलेगा ये हमारा ज़ीरा, ज़ीरा भी हमने कूट के लिया है। ये गरम मसाला, घर पे बना हुआ ही गरम मसाला है। और ये धनिया, धनिया जब फिश फ्राई करेंगे ना तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बहुत बढ़िया आपको मिलेगी। ये मैंने ऐड कर लिए है इधर सब। और यहाँ पे हमने नमक 1/2 टीस्पून लिया है। क्योंकि हमने ऑलरेडी फिश में नमक से धो दिए थे, इसीलिए हम लोग नमक 1 स्पून ही लें। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हो तो आप ले सकते हो जितना आप खाना चाहते। अब ये चिल्ली फ्लेक्स भी हम लोग ऐड कर देंगे। चिल्ली फ्लेक्स भी हमने कूट के ही लिया है। ये चिल्ली पाउडर और ये हल्दी, इस सब मसाले को अच्छे से आप मिला लें, मिक्स कर दें। आप देख सकते हो हमने मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अभी एक एक फिश हम इस पर डिप करके ना इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे फिश को। पहले फिश कर को अच्छे से कोट कर लेंगे बढ़िया ऐसा। इस तरह से आप फिश को कोट करेंगे तो हर जगह से मसाला आपको लगेगा, फिश के अंदर भी जाएगा। तो देख सकते हो आप, अब साइड में रख दें इसको। एक एक करके सब फिश को हम इसी तरह से मैरिनेट कर लेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हो हमने फिश को मैरिनेट कर दिया है। इसको आप 1 घंटे या 2 घंटे तक मैरिनेशन पे ही रख दें। जितना मैरिनेट होगी फिश आपको उतना बढ़िया फ्लेवर मिलेगा। तो हम लोग रख देंगे मैरिनेशन के लिए। फ्राई करते वक्त दिखाएंगे कि किस तरह से फ्राई करना चाहिए। एंड मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आप स्टार्टिंग से वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, एक एक स्टेप फॉरवर्ड मत कीजिए, वरना आपको क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है वो नहीं पता चलेगा। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए। आप देख सकते हैं हमारी फिश मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने तेल लिया है, इस तरह से ज़्यादा तेल ना करें, सेमी फ्राई ही करें तो आपको बढ़िया फ्लेवर मिलेगा उसका। तो तेल गरम हो चुका है, नहीं चेक करेंगे हम अभी, थोड़ा सा ये वाला मसाला डाल के चेक करेंगे गरम हुआ है या नहीं। हाँ, बढ़िया तरीके से गरम हो चुका है तेल। तो जब एक दफ़ा तेल गरम हो जाए तो आप इसको सिम कर दें, इस तरह से सिम में रख लें, वरना फिश अंदर तक नहीं पकेगी। पूरी फिश आपको स्लो आंच पे ही पकाना होगा, तो आपको बढ़िया फ्लेवर मिलेगा। इधर इस तरह से एक एक करके आप सारी फिश या कितनी उस पैन में जा सकती है उतना उतने पीसेस डाल के आप अभी हम फ्राई करेंगे फिश को। देख सकते हैं आप, हमने स्लो कर दिया है फ्लेम को, इस तरह से स्लो फ्लेम पे ही आप पकाइएगा। तो एक बार फ्राई होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसा था। अभी ये नीचे भी फिश पक रही है, तो ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा तेल डाल के हम इस ऊपर से भी पका लेंगे, जब तक नीचे पक जाए। नीचे चिपकना नहीं चाहिए, चिपकी नहीं है हमारी ये फिश। तो ऊपर से भी इस तरह से तेल डाल के आप स्लो फ्लेम पे जितने आप या पकाएंगे ना फिश को, तो बढ़िया फ्लेवर आएगा, बढ़िया फ्लेवर मिलेगा, अंदर तक पकेगी ये फिश, हमारे पीसेस बढ़िया टेंडरी फ्लेवर में आएंगे। तो इधर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारी ये फिश एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका, अगर ऊपर से इसका जो मसाला है अगर क्रिस्पी हो जाए, इस तरह से क्रिस्पी होने हो गया हो, तो इसका मतलब है कि फ़िश बढ़िया तरीके से हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। माशाल्लाह से हमारा ये फ़िश फ्राई बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रही है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। आप भी अपने घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देख सकते हो माशाल्लाह, ज़रूर बोलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे मॉम चैनल को। बाय।